बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 7। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड बुक पेज नंबर 95। आवर टुडेज टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट। हैव यू एवर नोटिस्ड डैट मैनी टॉयज हैव अ स्विच? कि क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत सारे खिलौने ऐसे होते हैं जिनका एक स्विच होता है या बटन होता है। व्हेन यू टर्न ऑन देयर स्विचेस दे स्टार्ट मूविंग एंड स्टॉप व्हेन यू टर्न इट ऑफ। कि आप जब उस बटन को टर्न ऑन करते हैं, उन स्विचेस को जो उनके साथ अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मूविंग या हरकत करना शुरू कर देते हैं और वो बंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं जब आप उस बटन को ऑफ कर देते हैं। व्हाई डज़ इट हैपन? ये कैसे होता है? यू नो डैट इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी इज़ यूज्ड इन दीज टॉयज। आप जानते हैं कि बिजली के जो सेल होते हैं और जो बैटरीज होती हैं वो इन खिलौनों में इस्तेमाल होती हैं। द सेल सप्लाइज एनर्जी फॉर देयर वर्किंग। जो सेल होते हैं वो सप्लाई करते हैं एनर्जी या तवनाई को उनको काम करने के लिए। एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इट्स वन एंड इज़ पॉजिटिव। उसका जो एक एंड है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, एंड द अदर नेगेटिव, और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। द नेगेटिव एंड हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स पॉजिटिव एंड। कि जो एक एंड है उसको एक्सेस या उसकी पहुंच या रसाई है इलेक्ट्रॉन तक, जबकि दूसरी साइड पे क्या है, डेफिशिएंसी या कमी है एट इट्स पॉजिटिव एंड, जो उसका पॉजिटिव एंड है वहाँ पे। व्हेन बोथ एंड्स आर जॉइंड थ्रू अ मेटल वायर। जब दोनों एंड जुड़ते हैं एक मेटल वायर या धातु की बनी हुई तार से, एंड अ स्विच और एक स्विच से, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एंड विद एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स टू द एंड विद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि जब उसको तार से जोड़ा जाता है तो फिर एक तरफ जहाँ पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एक एंड पे हैं, और दूसरी तरफ जो कम हैं वो मूव करना या हरकत करना शुरू कर देते हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो भाव है या फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक करंट। कि जो फ्लो है, भाव है चार्ज का, वो क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अ स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। के एक स्विच को इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए इस फ्लो को। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके अज्जा कौन कौन से हैं। इन आवर होम्स वी टर्न ऑन द स्विच टू लाइट अ बल्ब और टू रन अ फैन। कि हमारे घरों में हम क्या करते हैं, हम टर्न ऑन करते हैं किसी भी स्विच को बल्ब जलाने के लिए या फिर पंखा चलाने के लिए। द सेम स्विच इज़ आल्सो यूज्ड टू टर्न देम ऑफ। और वही सेम स्विच जो हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बंद करने के लिए। वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए कई किस्म के जो हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो हैं वो बनाए गए हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सादा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। इंसर्ट अ टॉर्च बल्ब इन अ होल्डर। कि एक टॉर्च बल्ब जो है वो एक होल्डर में लगाएं। कनेक्ट द बल्ब टू अ सेल और बैटरी थ्रू अ स्विच विद द हेल्प ऑफ मेटल वायर एज नोन इन द फिगर।
एक मेटल वायर की मदद से, जैसा कि यहाँ पे ये मेटल वायर दिखाई गई है, उसकी मदद से आप क्या करें कि जो बल्ब है उसको कनेक्ट करें सेल या बैटरी के साथ थ्रू अ स्विच, एक स्विच के ज़रिए। टर्न द स्विच ऑन एंड ऑब्जर्व द बल्ब, डज इट स्टार्ट ग्लोइंग। जो स्विच है उसको ऑन करें और मुशाहिदा करें कि क्या जो बल्ब है उसने जलना शुरू किया। नाउ टर्न द स्विच ऑफ एंड ऑब्जर्व द बल्ब, आप क्या करें कि जो स्विच है उसको ऑफ कर दें और फिर मुशाहिदा करें बल्ब का। वाई डिड इट स्टॉप ग्लोइंग, कि वो क्यों जलना बंद हो गया। व्हेन द स्विच इज़ टर्न ऑन देन वाई डज द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, और जब उसको टर्न ऑन किया गया स्विच को तो दोबारा से उसने क्यों जो है वो रोशन हो गया या उसने जलना शुरू किया। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, बल्ब ने जलना शुरू किया या वो रोशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो था वो उसमें से गुजर रहा था। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सेल और बैटरी, बल्ब स्विच एंड वायर एज शोन इन द फिगर, कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है तस्वीर में कि एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि गुज़र रहा है बैटरी में से भी, स्विच में से भी और वायर में से भी, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो रोशन है। दे टुगेदर प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो थ्रू, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक रास्ता मुहैया करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुज़रता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रास्ता है बहाव का करंट के। एज यू सी इन द फिगर डेट बैटरी बल्ब एंड स्विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा कि जो बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, वो कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं एक तार के ज़रिए इन इलेक्ट्रिक करंट में। बल्ब बैटरी एंड सेल एंड स्विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बल्ब है, बैटरी है या सेल है और जो स्विच हैं, ये क्या हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट के कंपोनेंट्स या उसके अज्जा हैं। बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी जो है वो एक ज़रिया है इलेक्ट्रिक करंट का। द स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, अब जो स्विच है वो इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए जो करंट का भाव है उसको। एंड द ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स, और जो रोशन बल्ब है वो निशानदेही करता है डेट करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, कि उसमें से करंट गुजर रहा है। ओपन एंड क्लोज सर्किट, You have learned that on turning the switch on, the circuit becomes complete or closed due to which the current starts flowing through it. कि आप पढ़ चुके हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं the circuit becomes complete, तो जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाता है या क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करता है। ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट आर ओपन, जब स्विच ऑफ किया जाता है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है या ओपन हो जाता है। सो द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसलिए जो करंट है वो स्टॉप कर देता है बहाव को सर्किट से। दिस इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट, इसको हम ओपन सर्किट, जैसे यहाँ पे देखें ये एक कंप्लीट या क्लोज सर्किट है जिसमें से करंट गुज़र रहा है और हमें ये रोशन नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, जब उसको स्विच ऑफ किया गया तो यहाँ पे इसमें गैप आ गया, इसलिए ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे करंट जो है वो जंप करके तो इसमें से नहीं गुज़र सकता, जब इसके रास्ते को काटा गया, स्विच ऑफ किया गया, तो फिर जो बल्ब है वो रोशन होना बंद हो गया। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी डेट इन केस ऑफ क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स कंपोनेंट्स,
हमने पीछे वाली एक्टिविटी में ये देखा कि जब सर्किट क्लोज था तो फिर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट था वो अपने कंपोनेंट में से गुजरा. डज करंट पास थ्रू ऑल काइंड ऑफ मटीरियल्स इन केस ऑफ क्लोज सर्किट? क्या जो करंट है वो गुजर सकता है तमाम किस्म के मटीरियल से क्लोज सर्किट में? मतलब ये कि बेशक क्लोज सर्किट हो लेकिन उसके रास्ते में जिस किस्म का भी मटेरियल हो, जैसे यहाँ पे ये मटेरियल दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो, तो क्या वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकेगा? टू नाउ दिस लेट अस परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उसका कंक्लूजन हम यहाँ पे देखते हैं. द मटेरियल विच डज नॉट लेट द बल्ब ग्लो कैन नॉट कंडक्ट करंट. कि ऐसा मटेरियल जो कि बल्ब को ग्लो नहीं होने देता, वो कंडक्ट नहीं करता करंट को. दिस शोज़ डेट करंट कैन पास थ्रू सम मटेरियल्स. ये हमें शो करता है कि जो करंट है वो गुजर सकता है कुछ मटेरियल से एंड कैन नॉट पास थ्रू सम अदर मटेरियल. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ से नहीं गुजर सकता. द मटीरियल्स थ्रू विच द करंट कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स. के ऐसे मटीरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. ऑन द अदर हैंड मटीरियल्स थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. और वो मटीरियल जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. द आयरन एंड कॉपर वायर्स एंड अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर कंडक्टर्स. के लोहे की और कॉपर की जो तारें होती हैं और जो दूसरा मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं. द मटेरियल्स लाइक वुड रबर प्लास्टिक एक्सेट्रा आर इंसुलेटर्स. और जो मटेरियल जैसे कि वुड लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये क्या हैं? ये इंसुलेटर्स हैं. वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर होम्स डेट दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स विच आर टू बी टच्ड आर हेल्ड विद हैंड आवर हैंड्स. कि हमने अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या बिजली से चलने वाले आलात हैं उनके वो हिस्से जो कि टच हो सकते हैं, जिनको छुआ जा सकता है या जिनको पकड़ा जा सकता है हाथों से, वो क्या होते हैं? वो इंसुलेटर्स होते हैं. मतलब ये कि उनकी जो बनावट होती है उसमें जो मटीरियल इस्तेमाल होता है वो इंसुलेटर होता है. दिस इज़ डन टू अवॉइड द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. और ये इसलिए किया जाता है कि बचा जा सके ख़तरे से बिजली के जो झटका होता है या करंट लगने से. फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड ऑफ मेटल. वो धातु से बनती है जो इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री होती है, लेकिन इट्स हैंडल इज़ ऑफ प्लास्टिक. लेकिन उसका जो हैंडल जहाँ से उसको पकड़ा जाता है वो प्लास्टिक का होता है. द हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक कैटल्स आर आल्सो मेड ऑफ इंसुलेटर्स. कि जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं और जो कैटल होती हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो भी इंसुलेटर्स होते हैं. Nowadays, आजकल the bodies of the entire electric fans, washing machines and refrigerators are made up of the plastic instead of metal. कि आजकल तमाम किस्म के जो पंखे हैं, जो वॉशिंग मशीनें हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो उनकी जो बॉडी है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसको प्लास्टिक से बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ मेटल, बजाय धातु के.